हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने किया तुलसी माता का विवाह। तो हमारे घर किस तरह तुलसी माता का विवाह होता है आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हमारे यहाँ पहले ज़मीन को शुद्ध किया जाता है, गाय के गोबर की से लीपा जाता है। तो मैंने सिंपल सा माता जी के पास गाय के गोबर से लीप दिया है और आप लोग देख सकते हो हमारी माता जी कितनी ज़्यादा हरी भरी हैं ठंडी के सीज़न में भी। और हमारे यहाँ घर की बड़े लोग पूजा करते हैं तो मेरी बड़ी मम्मी आज पूजा कर रही हैं। ये नारायण जी हमारे यहाँ विराजमान है, मेरी बड़ी मम्मी हवन करती हैं, मेरी बड़ी मम्मी पूजा बहुत विधि विधान के साथ करती हैं। आज मैं अपने मंदिर का भी आप लोगों को दर्शन करवाऊंगी। हमने माता जी को प्यारी सी लाल चूनर उड़ा दी है, श्रृंगार का सारा सामान और उनको छोटी छोटी टिकरियां भी चढ़ाई हुई हैं। हमारे यहाँ लापसी बनती है, हमारी बड़ी मम्मी बनाती हैं और हमारी बड़ी मम्मी काफ़ी लाजवाब खाना भी बनाती हैं। माता जी को भोग लग गया है। अब मैं अपनी काकी को दिखाऊंगी। हमारी काकी काफ़ी ज़्यादा बुढ़ी हो गई हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और हम लोगों से खूब सारा प्यार भी करती हैं। आप लोग ये तुलसी देख सकते हो, मैंने इसको ज़मीन में लगाई हुई है लेकिन हम लोग लिटरली मैं बता रही हूँ मैं इनको कुछ भी नहीं देती, लेकिन माता रानी की इतनी अच्छी कृपा है, हमारे यहाँ खूब खुश हैं वो। आप लोग देख सकते हो ना, मैं इनको गाय की गोबर का खाद ऐसा कुछ भी, मैं कोई भी फर्टिलाइज़र उनको नहीं देती हूँ, लेकिन माता रानी की खूब अच्छी कृपा है, वो हमारे यहाँ खूब खुश हैं और इनकी कृपा मुझ पे और आप सब पे खूब अच्छी से बरसती रहे। तो अब मैं चलती हूँ अपनी प्यारी सी छोटी सी मंदिर का दर्शन करवाने आप लोगों को। ये हैं हमारे भोले बाबा, गणपति जी, माता रानी, बजरंगबली, सब लोग हमारे यहाँ विराजमान रहते हैं। मैं जब भी थोड़ा सा उदास या कुछ भी नर्वस फील करती हूँ अपने भोले बाबा के पास आ जाती हूँ। हमारे यहाँ कुछ भी पहले बनता है तो बजरंगबली और भोले बाबा को भोग लगता है, फिर उसके बाद ही सब लोग खाना पीना खाते हैं। तो हमारे यहाँ आज के दिन मंदिर में भी खाना खाते हैं और आंवले के नीचे बैठकर भी खाना खाया जाता है। आप लोग प्यारे प्यारे मेरे भोले बाबा का और बजरंगबली का दर्शन कर सकते हैं और खूब सारी ब्लेसिंग भी मांग सकते हैं। ये प्यारे मेरे नंदी जी हैं, इनसे मैं रोज़ विशेष मांगती हूँ और यहाँ पे आके कुछ टाइम रोज़ बैठती हूँ। हमारे यहाँ था आंवले का पेड़ और यहाँ पे प्यारी सी एक कुर्सी लगी हुई है और आज था शनिवार का दिन। हमारे यहाँ शनिवार के दिन रोज़ खिचड़ी बनती है, वो भी काला तिल उड़द डाल के। आज के दिन आंवले के नीचे बैठ के खाने से जो भी मन की इच्छा रहती है मांगने से पूरी होती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर से बताइएगा, लाइक करिएगा।